मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 2 अगस्त 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। आज मीठे मीठे पापा दादा बोले, मीठे बच्चे तुम्हारे निजी संस्कार पवित्रता के हैं। तुम रावण के संग में आकर पतित बने, अब फिर पावन बन पावन दुनिया का मालिक बनना है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम्हारे निजी संस्कार पवित्रता के हैं। तुम रावण के संग में आकर पतित बने, अब फिर पावन बन पावन दुनिया का मालिक बनना है। बाबा ने आज प्रश्न पूछा है कि अशांति का कारण और उसका निवारण क्या है। तो उत्तर में बाबा ने समझाया, अशांति का कारण है अपवित्रता। अब भगवान बाप से वायदा करो कि हम पवित्र बन पवित्र दुनिया बनाएंगे, अपनी सिविल आई रखेंगे, क्रिमिनल नहीं बनेंगे, तो अशांति दूर हो सकती है। तुम शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए बच्चे कभी अशांति नहीं फैला सकते। तुम्हें शांत रहना है, माया के गुलाम नहीं बनना है। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि गीता के भगवान ने गीता सुनाई, एक बार सुनाकर फिर तो चले जाएंगे। अभी तुम बच्चे गीता के भगवान से वही गीता का ज्ञान सुन रहे हो और राजयोग भी सीख रहे हो। वो लोग तो लिखी हुई गीता पढ़कर कंठ कर लेते हैं, फिर मनुष्यों को सुनाते रहते हैं। वह भी फिर शरीर छोड़ जाए, दूसरे जन्म में बच्चा बने, फिर तो सुना ना सके। अब बाप तुमको गीता सुनाते रहते हैं जब तक तुम रजाई प्राप्त करो। लौकिक टीचर भी पाठ पढ़ाते ही रहते हैं, जब तक पाठ पूरा हो सीखते रहेंगे, सिखाते रहते हैं। पाठ पूरा हो जाता है फिर हद की कमाई में लग जाते। टीचर से पढ़े, कमाई की, बूढ़े हुए, शरीर छोड़ा, फिर दूसरा जाकर शरीर ले लेते हैं। वो लोग गीता सुनाते हैं, अब इससे प्राप्ति क्या होती है यह तो कोई को पता ही नहीं। गीता सुनाकर फिर दूसरे जन्म में बच्चा बना तो सुना ही ना सके। जब बड़े हों, बुजुर्ग बने, गीता पाठी हों, तब फिर सुनाए। और यहाँ बाप तो एक ही बार शांति धाम से आकर पढ़ाते हैं, फिर चले जाते हैं। बाप कहते हैं, तुमको राजयोग सिखाकर हम अपने घर चले जाते हैं। जिनको पढ़ाता हूँ वह फिर आकर अपनी प्रारब्ध भोगते हैं, अपनी कमाई करते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा करके फिर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? नई दुनिया में। यह पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। मनुष्य तो ये नहीं जानते कि पुरानी दुनिया खत्म हो फिर नई स्थापन होनी है। तुम जानते हो कि हम राजयोग सीखते ही हैं नई दुनिया के लिए। फिर ना ये पुरानी दुनिया ना पुराना शरीर होगा। आत्मा तो अविनाशी है। आत्माएं पवित्र बन फिर पवित्र दुनिया में आती हैं। नई दुनिया थी जिसमें देवी देवताओं का राज्य था, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। वह नई दुनिया बनाने वाला भगवान ही है। वह एक धर्म की स्थापना कराते हैं, कोई देवता द्वारा नहीं कराते। देवता तो यहाँ है ही नहीं, तो ज़रूर कोई मनुष्य द्वारा ही ज्ञान देंगे जो फिर देवता बनेंगे। फिर वही देवताएं पुनर्जन्म लेते लेते अभी ब्राह्मण बने हैं। यह राज तुम बच्चे ही जानते हो। भगवान तो है निराकार जो नई दुनिया रचते हैं। अभी तो रावण राज्य है। तुम पूछते हो कि कलयुगी पतित हो या सत्युगी पावन हो, परंतु समझते नहीं। अब बाप बच्चों को कहते हैं कि हमने 5000 वर्ष पहले भी तुमको समझाया था, हम आते ही हैं तुम बच्चों को आधा कल्प सुखी बनाने, फिर रावण आकर तुमको दुखी बनाता है। ये दुख सुख का खेल है। कल्प की आयु 5000 वर्ष है तो आधा आधा करना पड़े ना। रावण राज्य में सब देह अभिमानी विकारी बन जाते हैं। ये बातें भी तुम अब समझते हो, आगे नहीं समझते थे। कल्प कल्प जो समझते हैं वही समझ लेते हैं। जो देवता बनने वाले नहीं वह आएंगे ही नहीं। तुम देवता धर्म की कलम लगाते हो। जब वह आसुरी तमो प्रधान बन जाते हैं तो उनको दैवी झाड़ का नहीं कहेंगे। झाड़ भी जब नया था तो स्वतो प्रधान था,
हम उसके पत्ते देवी देवता थे, फिर रचो तमो में आए, पुराने पतित तो शूद्र हो गए। पुरानी दुनिया में पुराने मनुष्य ही रहेंगे, पुराने को फिर से नया बनाना पड़े। अब देवी देवता धर्म ही प्राय लोप हो गया है। बाप भी कहते हैं जब जब धर्म की ग्लानी होती है तो पूछा जाएगा किस धर्म की ग्लानी होती है, तो जरूर कहेंगे आदि सनातन देवी देवता धर्म की। जो मैंने स्थापन किया था वह धर्म ही प्राय लोप हो गया, उसके बदले अधर्म हो गया है। तो जब धर्म से अधर्म की वृद्धि होती जाती तब पाप आते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि धर्म की वृद्धि, धर्म तो प्राय लोप हो गया, बाकी अधर्म की वृद्धि हुई। वृद्धि तो सब धर्मों की होती है, एक क्राइस्ट से कितनी क्रिश्चियन धर्म की वृद्धि होती है। बाकी देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया, पतित बनने कारण आप ही ग्लानी करते हैं। धर्म से अधर्म भी एक ही होता है, और तो सब ठीक चल रहे हैं, सब अपने अपने धर्म पर कायम रहते हैं। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाइसलेस था वह विशेष बन पड़े हैं। हमने पावन दुनिया स्थापन की, फिर वही पतित शूद्र बन जाते हैं, अर्थात उस धर्म की ग्लानी हो जाती है। अपवित्र बनते तो अपनी ग्लानी कराते हैं, विकार में जाने से पतित बन जाते हैं, अपने को देवता कहला नहीं सकते हैं। स्वर्ग से बदल नरक हो गया है तो कोई भी वाह वाह है ही नहीं, माना पावन ही नहीं है। तुम कितने छी छी पतित बन गए हो, बाप कहते हैं तुमको वाह वाह फूल बनाया, फिर रावण ने तुमको कांटा बना दिया। पावन से पतित बन गए हो, अपने धर्म की ही हालत देखनी है। पुकारते भी हैं कि हमारी हालत आकर देखो, हम कितने पतित बने हैं, फिर हमको पावन बनाओ। पतित से पावन बनाने बाप आते हैं तो फिर पावन बनना चाहिए, औरों को भी बनाना चाहिए। तुम बच्चे अपने को देखते रहो कि हम सर्वगुण संपन्न बने हैं, हमारी चलन देवताओं मिसल है। देवताओं के राज्य में तो विश्व में शांति थी, अब फिर तुमको सिखलाने आया हूँ विश्व में शांति कैसे स्थापन हो, तो तुमको भी शांति में रहना पड़े। शांत होने की युक्ति बताता हूँ कि मेरे को याद करो तो तुम शांत हो। शांति धाम में चले जाएंगे, कोई बच्चे तो शांत रहकर औरों को भी शांति में रहना सिखलाते हैं। कोई अशांति कर देते हैं, खुद अशांत रहते हैं तो औरों को भी अशांत बना देते हैं। शांति का अर्थ नहीं समझते, यहाँ आते हैं शांति सीखने, फिर यहाँ से जाते हैं तो अशांत हो जाते हैं। अशांति होती ही है अपवित्रता से। यहाँ आकर प्रतिज्ञा करते हैं बाबा हम आपका ही हूँ, आपसे विश्व की बादशाही लेनी है, हम पवित्र रहकर फिर विश्व के मालिक जरूर बनेंगे। फिर घर में जाते हैं तो माया तूफान में ले आती है, युद्ध होती है ना, और फिर माया के गुलाम बन पतित बनना चाहते हैं। अबलाओं पर अत्याचार वही करते हैं जो प्रतिज्ञा भी करते हैं कि हम पवित्र रहेंगे, फिर माया का वार होने से प्रतिज्ञा भूल जाते हैं। भगवान से प्रतिज्ञा की है कि हम पवित्र बन पवित्र दुनिया का वर्षा लेंगे, हम सिविल आई रखेंगे, अपनी कुदृष्टि नहीं रखेंगे, विकार में नहीं जाएंगे, क्रिमिनल दृष्टि छोड़ देंगे, फिर भी माया रावण से हार खा लेते हैं। तो जो निर्विकारी बनना चाहते हैं उनको तंग करते हैं, इसलिए कहा जाता है अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। पुरुष तो बलवान होते हैं, स्त्री निर्बल होती है, लड़ाई आदि में भी पुरुष जाते हैं क्योंकि बलवान है। स्त्री नाजुक होती है, उनका कर्तव्य ही अलग है, वह घर संभालती है, बच्चे पैदा कर उनकी पालना करती है, यह भी बाप समझाते हैं। वहाँ होता ही है एक बच्चा, सो भी विकार का नाम नहीं। यहाँ तो सन्यासी भी कभी कभी कह देते हैं कि एक बच्चा तो ज़रूर होना चाहिए, क्रिमिनल आई वाले ठग ऐसी शिक्षा देते हैं। अब बाप कहते हैं इस समय के बच्चे क्या काम के होंगे, जबकि विनाश सामने खड़ा है, सब खत्म हो जाएंगे। मैं आया ही हूँ पुरानी दुनिया का विनाश करने, वह हुई सन्यासियों की बात, उनको तो विनाश की बात का मालूम ही नहीं। तुमको बेहद का पाप समझाते हैं कि अब विनाश होना है, तुम्हारे बच्चे वारिस बन नहीं सकेंगे।
तुम समझते हो कि हमारे कुल की निशानी रहे, परंतु पतित दुनिया की कोई निशानी रहेगी ही नहीं। तुम समझते हो कि पावन दुनिया के थे, मनुष्य भी याद करते हैं क्योंकि पावन दुनिया होकर गई है, जिसको स्वर्ग कहा जाता है, परंतु अब तमोप्रधान होने के कारण समझ नहीं सकते हैं। उन्होंने की दृष्टि ही क्रिमिनल है, इसको कहा जाता है धर्म की ग्लानि। आदि सनातन धर्म में ऐसी बातें होती नहीं। पुकारते हैं पतित पावन आओ, हम पतित दुखी हैं। बाप समझाते हैं हमने तुमको पावन बनाया, फिर माया रावण के कारण तुम पतित बने हो, अब फिर पावन बनो। पावन बनते हो फिर माया की युद्ध चलती है। बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहा था, परंतु फिर काला मुंह कर दिया तो वर्षा कैसे पाएंगे। बाप आते हैं गोरा बनाने, देवताएं जो गोरे थे वही काले बने हैं, देवताओं के ही काले शरीर बनते हैं। क्राइस्ट बुद्ध आदि को कभी काला देखा, तो देवी देवताओं के चित्र काले बनाते हैं। जो सर्व का सदगति दाता परमपिता परमात्मा सर्व का बाप है, जिसको कहते हैं परमपिता परमात्मा अगर लिब्रेट करो, वह कोई काला थोड़ी हो सकता है, वह तो सदैव गोरा एवर प्योर है। देवताओं को महान आत्मा कहा जाता है, श्री कृष्ण तो देवता हुआ। अभी तो कलयुग है, कलयुग में महान आत्मा कहाँ से आए। श्री कृष्ण तो सत्युग का फर्स्ट प्रिंस था, उनमें दैवी गुण थे, अभी तो देवता आदि कोई है नहीं। साधु संत पवित्र बनते हैं, फिर भी पुनर्जन्म विकार से लेते हैं, फिर संन्यास धारण करना पड़ता है। देवताएं तो सदैव पवित्र हैं, वह यहाँ रावण राज्य है। रावण को दश शीश दिखाते हैं, पांच स्त्री के पांच पुरुष के, यह भी समझते हैं कि पांच विकार हर एक में है, देवताओं में तो नहीं कहेंगे ना। वह तो है ही सुख धाम, वहाँ भी रावण होता तो फिर दुख धाम हो जाता। मनुष्य समझते हैं देवताएं भी तो बच्चे पैदा करते हैं, वह भी तो विकारी ठहरे। उनको ये तो पता ही नहीं है कि देवताओं का वो गाया ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी, तब तो उनको पूजा जाता है। सन्यासियों की भी मिशन है, सिर्फ पुरुषों को सन्यास कराए मिशन बढ़ाते हैं। बाप फिर प्रवृत्ति मार्ग की नई मिशन बनाते हैं, जोड़ी को ही पवित्र बनाते हैं, फिर तुम जाकर देवता बनेंगे। तुम यहाँ सन्यासी बनने के लिए नहीं आए हो, तुम तो आए हो विश्व का मालिक बनने। वह तो फिर ग्रस्त में जन्म लेते हैं, फिर निकल जाते हैं। तुम्हारे संस्कार हैं ही पवित्रता के, अब अपवित्र बने हो फिर पवित्र बनना है। बाप पवित्र ग्रस्त आश्रम बनाते हैं। पावन दुनिया को सत्युग, पतित दुनिया को कलयुग कहा जाता है। यहाँ कितनी पाप आत्माएं हैं, सत्युग में ये बातें होती नहीं। बाप कहते हैं जब जब भारत में धर्म की ग्लानी होती है, अर्थात देवी देवता धर्म वाले पतित बन जाते हैं, तो अपनी ग्लानी कराते हैं। बाप कहते हैं हमने तुमको पावन बनाया, फिर तुम पतित बने, कोई काम के नहीं रहे। जब ऐसे पतित बन जाते हो तब फिर पावन बनाने हमको आना पड़ता है। यह ड्रामा का चक्र है जो चलता रहता है, फिरता रहता है। हेवन में जाने के लिए फिर दैवी गुण भी चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए। क्रोध है तो वह भी जैसे असुर कहलाएंगे। बड़ी शांत चित्त अवस्था चाहिए। क्रोध करते हैं तो कहेंगे इनमें क्रोध का भूत है। जिनमें कोई भी भूत है वह देवता बन ना सके, नरसे नारायण बन ना सके। देवता तो है ही निर्विकारी, यथा राजा रानी तथा प्रजा निर्विकारी हैं। भगवान बाप ही आकर संपूर्ण निर्विकारी बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को तलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है बाप से पवित्रता की प्रतिज्ञा की है तो अपने को माया के वार से बचाते रहना है, कभी माया का गुलाम नहीं बनना है, इस प्रतिज्ञा को भूलना नहीं है क्योंकि अब पावन दुनिया में चलना है। और दूसरा पॉइंट है देवता बनने के लिए अवस्था को बहुत बहुत शांत चित्त बनाना है, कोई भी भूत प्रवेश होने नहीं देना है, दैवी गुण धारण करने हैं।
बाबा ने आज हमें वरदान दिया फरिश्ते स्वरूप की स्मृति द्वारा बाप की छत्र छाया का अनुभव करने वाले विघ्न जीत भव। फरिश्ते स्वरूप की स्मृति द्वारा बाप की छत्र छाया का अनुभव करने वाले विघ्न जीत भव। अमृत वेले उठते ही स्मृति में लाओ कि मैं फरिश्ता हूँ। ब्रह्मा बाप को यही दिल पसंद गिफ्ट दो तो रोज़ अमृत वेले बाप दादा आपको अपनी बाहों में संभालेंगे, अनुभव करेंगे कि बाबा की बाहों में अति इंद्रिय सुख में झूल रहे हैं। जो फरिश्ते स्वरूप की स्मृति में रहेंगे उनके सामने कोई परिस्थिति व विघ्न आएगा भी तो बाप उसके लिए छत्र छाया बन जाएंगे। तो बाप की छत्र छाया व प्यार का अनुभव करते विघ्न जीत बनो। स्लोगन है, सुख स्वरूप आत्मा स्वस्थिति से परिस्थिति पर सहज विजय प्राप्त कर लेती है। सुख स्वरूप आत्मा स्वस्थिति से परिस्थिति पर सहज विजय प्राप्त कर लेती है। ओम शांति।